नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेज में। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो हैं वो प्राप्त होते रहें। दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूँ सुक्रोज जो होता है उसकी स्ट्रक्चर, जो हावर्त स्ट्रक्चर के नाम से जानी जाती है, सुक्रोज की हावर्त स्ट्रक्चर। तो दोस्तों इसके लिए आपको मैं पहले बता दूँ कि रिएक्शन क्या होती है। सुक्रोज जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, जिसकी रिएक्शन हम H2O के साथ इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में करवाते हैं, तो एल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो आप दो देख रहे हैं, एल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। तो दोस्तों इन दोनों को हम जोड़कर सुक्रोज की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सुक्रोज की स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें इसकी हावर्त स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है पहले एल्फा डी ग्लूकोज की। तो दोस्तों ये है एल्फा डी ग्लूकोज की हावर्त स्ट्रक्चर जो कि हम अभी बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो C1 कार्बन होता है उस पर H और OH आता है, C2 पर H OH, C3 पर चेंज होता है OHH, फिर 4 पर H OH और जो 5 है उस पर CH2OH और इस नीचे एक साइड में आता है H। तो इस प्रकार से एल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बन जाती है। दोस्तों बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर इसमें बनाने के लिए थोड़ा सा हमें इंटर कन्वर्जन करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट इसको आप अपन याद नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा आपको साइड में बता रहा हूँ, यदि आपको ये तरीका याद रहे तो ये सही है, नहीं मैं आपको दूसरे वाला तरीका भी बताऊँगा। लेकिन अपने को C1 C2 कार्बन चाहिए दोस्तों, एल्फा डी ग्लूकोज का C1 और बीटा डी फ्रक्टोज का C2 कार्बन जो होता है वो ग्लाइकोसाइड बंध बनाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने अभी बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर लिखी है, जिसमें से इस प्रकार की स्ट्रक्चर आती है, 2 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन जो कि आप देख रहे हैं, ये बीटा डी फ्रक्टोज की हावर्त स्ट्रक्चर है फर्स्ट नंबर। अब मैं आपको सेकंड स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जिसमें मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो मैं C5 कार्बन है इसको तो 2 की जगह लिख रहा हूँ, और जो 2 कार्बन है उसको मैं 5 की जगह लिख रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों सरल तरीका है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 5 वाला जो है वो लिखा है तो CH2OH ऊपर लिख दिया, बाकी 4 वाला है उसमें HOH है, 3 वाला उसमें OHH है, और 2 वाला उसमें OH और CH2OH। तो इस प्रकार से ये इधर वाला जो होता है 1 नंबर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये स्ट्रक्चर नंबर अभी आप देख रहे हैं सेकंड आई है। तो अब मैं इसकी मेन स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन एल्फा डी ग्लूकोज की बीटा डी फ्रक्टोज के साथ कैसे कराएंगे। रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सरल है। अब मैं इसमें देखो पहले ऐसे था, फिर इस प्रकार से हो गया, और फिर इसको एक पलटी और मारनी है ऐसे करके। जैसे कि आप कैसे समझाऊँ, जैसे कि आप ये पेन देख रहे हैं, इस पेन को मैंने ऐसे रखा, फिर इस पेन को ऐसे घुमाया 2 नंबर, फिर इस पेन को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, देखिए जैसे कि पलट जाता है हाथ उस प्रकार से। तो अभी आप देखेंगे कि जो 2 नंबर स्ट्रक्चर है उसको मैंने उल्टा पलटा है, तो इसमें क्या आएगा देखना, कि जो ये 2A 5 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन है इसमें CH2OH नीचे था उसको मैं ऊपर ले आया, OH है उसको मैं नीचे ले आया, और 3 नंबर है इसमें H और OH, और ये अभी देख रहे हैं 4 नंबर, इसमें OH ऊपर कर देंगे और H नीचे कर देंगे, और 5 नंबर कार्बन है इसमें आप देखिए कि H ऊपर है और CH2OH नीचे कर दिया है। तो देखिए दोस्तों 2 नंबर वाले में मैंने थोड़ा इंटर कन्वर्जन किया तो 3 नंबर आ गए। अब आप 1 नंबर और 3 नंबर वाली स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आया। देखिए 2 नंबर कार्बन ये है तो इसका 2 नंबर कार्बन है, इसका 5 है तो इसका 5 ये है। अब यहाँ पर देखिए OH जो है, आप OH की स्थिति चेक कर सकते हैं क्या हुई है OH की स्थिति। यहाँ पर OH 2 नंबर पर है और इधर वाले में देखिए कहाँ पर है। तो मैंने चेंजेस क्या किया है दोस्तों, बाकी देखो आप देख रहे हैं कि 1 और 3 में स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम आ रही है। अब मैंने चेंज किया कि इसका जो OH है वो OH यहाँ लिख दिया, और इसका जो ये जो H है जो कि 5 पर था वो 2 पर आ गया। तो दोस्तों ये चेंजेस आया 2 और 5 में। तो आप इसको रटेंगे तो आप एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, तो आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। बाकी चेंज इतना ही हुआ है कि 2 नंबर कार्बन का OH 5 नंबर कार्बन के H से चेंज हुआ है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि ये कैसे बनता है, कैसे होता है। और अब इसमें H2O का मॉलिक्यूल आप निकाल सकते हैं, H2O का मॉलिक्यूल यानी C1 कार्बन जो है वो
अल्फा डी ग्लूकोज का और C2 जो कार्बन है वो बीटा डी फ्रक्टोज का है। तो इन दोनों की आप आपस में रिएक्शन करवा के H2O का मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं। और अब हम इसकी हावर्त स्ट्रक्चर बना देंगे, बिल्कुल सरल सी है जो कि आप आसानी से बना सकते हैं बिना टेंशन के। देखिए दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगी, इसमें H और ये HOH और यहाँ पर ये 3 नंबर कार्बन है, तो इसमें OH ऊपर आता है, H नीचे आता है, फिर HOH CH2OH और नीचे H। ये तो हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, मैंने नीचे वाला भी बनाया नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन जोड़ना है। ये है बीटा डी फ्रक्टोज जो कि आप हावर्त संरचना देख रहे हैं इसकी, H CH2OH 5 नंबर कार्बन, OH H H OH और ऊपर की साइड में CH2OH। अब हमने वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया तो एक ऑक्सीजन बच गया जो इसके साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर बन जाती है सुक्रोज की, हावर्त स्ट्रक्चर, और इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड जो बना है वो C1 C2 कार्बन के बीच में बना है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं C1 और C2 कार्बन, इसका C1 है और फ्रक्टोज जो है बीटा डी फ्रक्टोज इसका 2, तो C2 कार्बन ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। दोस्तों सुक्रोज जो है वो एक अनअपचयी शर्करा यानी नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर है वो होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो दोनों मोनोसेक्राइड होते हैं उनके कार्बोनिल समूह जो होते हैं वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए ये एक अनअपचयी शर्करा है। जबकि आप देख रहे हैं माल्टोज और लेक्टोज जो होते हैं उनके अंतर्गत क्या होता है कि किसी एक मोनोसेक्राइड का कार्बोनिल समूह जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले पाता है, इसलिए वह एक अपचयी शर्करा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि कौन सी अनअपचयी शर्करा है और कौन सी अपचयी शर्करा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।